सभी को नमस्कार। और सभी लोग हमसे परिचित हैं, कोई ऐसा सभी लोग परिचित नहीं होंगे आपका। और आपके कितना ये बीन्स सूरत है, और इस बीन्स को जितना आप सूरत मानते होगे वही बीन्स आप बनाया। लेकिन स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल था, और ये मुश्किल कड़ी में कई लोगों ने हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी रिलेटिव जितने भी लोगों ने सभी लोगों ने इन्वॉल्व किया। और कई बार ऐसा रहा कि हमारे जितने भी दोस्त थे वो सारे लोगों ने मतलब पसंद नहीं करते थे बैठना। जहाँ भी मैं खड़ा होता था तो आसिम के अलावा हमारे साथ क्योंकि जुनून था जोश था ऐसे हमारे बीच में एक हमारे छोटा भाई भी यहीं पर आया हुआ है, और बीच में हम चाहेंगे उसको कि वो भी एक बार आए यहाँ पर स्टेज पर आए और एक बार इस बीच से जो टिके रहेंगे जो लगातार टिके रहेंगे ये बीच में वाकई में उनको कामयाबी मिलेगी। ये बीच धैर्य का है, बस धैर्य आपने आपको रखे रहना है। ये बीच अगर दो से लेकर पाँच साल तक लगातार 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 कंटिन्यूटी लगातार 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 करते रहें चलते रहें अपलाइन की बात को फॉलो करते रहें अपलाइन की बात जो भी करते हैं किन बट पर नहीं लगाते हैं मैं गारंटी देता हूँ आप सचिन हो। यही तरीके से हमारे इतिहास सर ने जलम सर ने पीके सिंह सर वसीम सर ने जो भी उन्होंने कहते गए मैं उनकी बात को कभी भी किन बट पर नहीं लगाया। उसी की नहीं की बदौलत है हमारे गुरु हमारे मेंटर जिनके विषय में जितना भी कुछ कहा जाए वो है दिल्ली से धरती में चल के और हमारे बीच में जो आज आए हुए हैं एक बार सर के लिए वो जोरदार ताली हो जाए। एक बार मेरे को याद है सर ने कहा था जब मेरी रोल्टी नहीं आई थी उन्होंने कहा था तुम रोल्टी निकालो तो मैं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है सर मैं रोल्टी निकालता हूँ आओ आप आपको आना पड़ेगा फिर बोलो कि आप और आगे बढ़ो फिर मैं आऊँगा। और ये क्या था ना कि जब अपलाइन उन्हीं को साथ देती है जब आपको देखती है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो अपलाइन भी आपको साथ देती है। आज सर को जब लगातार चलते चलते जब लगातार कंटिन्यू लगातार जिसको ग्रोथ करते करते जब जहाँ रहे तो सर को भी लगा कि नहीं यार प्रदीप का समय आ चुका है उसको जाना चाहिए वहाँ पर उसने इतना समय हो गया है और टाइम बहुत समय मांग रहा है। आज सर का समय मांगते मांगते तो कई साल हो गए और ऐसे कहते ना कि लगता है उनके पीछे भी कुछ कारण था। अगर वो शायद पहली बार में आ गए होते तो शायद वो हमारी गोल्ड थ्री स्टार गोल्ड वही रहती और आप मेरे को आग लगी थी कि सर को करके दिखाना है कि सर को मजबूर करने के आए कम से कम सर को ऐसा एहसास हो कि हाँ एक लखनऊ में बंदा कोई है। और मेरा कंपटीशन यहाँ पर और कोई नहीं है, मेरा कंपटीशन है तो वो लोगों से है जो लोग आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन जिंदगी में करो ना, गिराने के लिए कंपटीशन मत करो। आप ऊपर उठने के लिए जो भी आगे बढ़ रहा है उससे कंपटीशन करो। जिंदगी में कहना लेट टीचर क्या था टीचर रूल पढ़ाता है और विनर जो है रूल बनाता है। टीचर एक रूल के लिए पढ़ा सकता है जो किताबों में होते हैं पढ़ाते हैं बस, लेकिन विनर हमेशा एक रूल नया नया रिकॉर्ड बनाता है। तो आप भी एक रिकॉर्ड बना सकते हो, आप भी एक ऐसी मंजिल पर पहुंच सकते हो जिसमें कोई किसी ने इसमें पढ़ा लिखा माने कोई भी नहीं लगता है। आप कितने पढ़े हो आप अच्छा पाँच हो हमारे बीच में सर जी 18 साल तक ट्रेनिंग करते हैं। मेरे को तो आग लगी थी कि सर जी जब 5-4 क्लास जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो चीज़ मेरे को आग लगी थी कि सर जब 2 लाख रुपये की महीने ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। और सर के जुनून को जोश को हमेशा देख रहा हूँ ट्रेवलिंग कहीं देख रहा हूँ तो कहीं ट्रेवलिंग कहीं हर समय में बस पर कहीं ट्रेन में ये सफर मैं सोचता कि इस सफर को इतना सफर करती हूँ